मध्य प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास और श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल संगठनात्मक दौरे पर छिंदवाड़ा पहुंचे। उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि हम हर चुनौती को गंभीरता से लेते हैं और छिंदवाड़ा सहित सारी सीटें जीतना हमारा लक्ष्य है। इस बीच दिग्विजय सिंह के आरोपों पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस से चुनाव जीतती है तो ईवीएम पर आरोप नहीं लगाती, और जब उनके भाई लक्ष्मण सिंह खुद उनकी बात का खंडन कर रहे हैं तो हमें जवाब देने की जरूरत नहीं है। ईवीएम हम लेकर नहीं आए हैं, ये शायद कांग्रेस लेकर आई है। इसी के साथ ज्ञानवापी के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और मुझे लगता है कि एएसआई की रिपोर्ट सार्वजनिक करना एक सही फैसला है। एएसआई एक तकनीकी संस्था है जिसकी रिपोर्ट हर जगह मान्य होती है। छिंदवाड़ा से संवाददाता मुकेश तिवारी की रिपोर्ट। हम हमेशा चुनौती को गंभीरता से ही लेते हैं और लक्ष्य यही है कि छिंदवाड़ा सहित हम सारी सीटें जीतें। कांग्रेस जब जीतती है तब ईवीएम पर सवाल नहीं उठाती है। ईवीएम लाने वाले हम नहीं हैं, शायद कांग्रेस के लोग हैं। तो मुझे लगता है कि तकनीक पर सवाल परिस्थिति जन उठाना, ऐसे दिग्विजय सिंह जी की हर बातों का तत्काल जवाब दिया जाए जब उनके भाई ही दे रहे हैं तो फिर मुझे लगता है मुझे नहीं देना चाहिए। इतनी पुरानी बसावटें, इतने पुराने पुरातत्व का अवशेष हमारे पास में है जो दुनिया के पास नहीं है, और इसलिए उनकी एएसआई की रिपोर्ट को हमेशा मान्यता मिली है। अच्छी बात यह है कि न्यायालय ने रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है,